नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संकट में शिवसेना, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में उतरे पार्टी के सांसद। विपक्ष ने फिर की योजना वापसी की मांग, टीएमसी ने अग्निपथ योजना को शिंजो आबे की हत्या से जोड़ा। और गडकरी का बड़ा बयान, अगले 5 महीने में गायब हो जाएंगी पेट्रोल गाड़ियां। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होने हैं और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। उनकी उम्मीदवारी में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और एनसीपी चीफ शरद पवार की अहम भूमिका रही थी। ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर द्रौपदी मुर्मू को चुनाव में समर्थन देती है तो विपक्षी दलों से उसके रिश्ते बिगड़ना तय है। महाराष्ट्र में सत्ता गंवा चुकी शिवसेना के सामने अब एक नई मुश्किल आ गई है। पार्टी के 18 लोकसभा सांसदों में से 13 ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसदों के इस फैसले से शिवसेना की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पहले ही बागी विधायकों की वजह से उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। अब सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार का साथ देने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर ने बताया कि उन्होंने अपने सामूहिक फैसले की जानकारी उद्धव ठाकरे को भी है। इससे पहले शिवसेना सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया कि लोकसभा में पार्टी के 18 सदस्यों में से 15 ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री पर हुई बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दिया। महाराष्ट्र में 18 लोकसभा के सांसदों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से कलाबेन डेलकर भी शिवसेना सांसद हैं। गोंदिया में प्रतिवर्ष अनुसार जगदम्बा धाम को 16वें वर्ष के अवसर पर मां अम्बे की मंदिर में आज विशेष पूजा की गई। जगदम्बा धाम से भव्य शोभा यात्रा रैली ढोल नगाड़े संग निकाली गई। आतिशबाजी कलश यात्रा से मां का जय जयकार कर शहर में प्रमुख मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य पूजा अर्चना कर स्वागत किया गया। धर्म प्रेमियों ने पेयजल महाप्रसाद प्रदान किया। ब्रह्मोत्सवम में महिलाओं का नृत्य भी आकर्षण रहा। जगदम्बा धाम कमेटी सैकड़ों भक्त जनों ने अथक परिश्रम किया। वीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। नागपुर जिले के कामठी शहर में काजी मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की ओर से सामूहिक बकरा ईद की नमाज अदा की गई। कामठी के अलग अलग भागों की 42 मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने एक साथ आकर ईद त्योहार मनाया। इस अवसर पर शांति की दुआ की गई। हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह का हुक्म हुआ था कि कुर्बानी अपने बच्चे की देना है, उन्होंने उनका हुक्म करके कुर्बानी अपने बच्चे को कुर्बानी के आगे बच्चे को लटा दिए। और जब वो कुर्बानी कर रहे थे तो अल्लाह ने वो मेंढा भेज दिया और मेंढे की कुर्बानी हुई, जब से कुर्बानी सब पे वाजिब हो गई। बकरीद एक मोहब्बत का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। ईद जुआ सब लोग भाईचारे से मिलजुल के मनाते हैं। हर साहिबी हैसियत को कुर्बानी जायज़ है, सबको कुर्बानी देना है। जो साहिबी हैसियत है, जिसके पास 2 तोला सोना और कुछ जो साहिबी हैसियत है, वो कुर्बानी हर मर्द और औरतों पे सब पे जायज है कुर्बानी। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी सलाहकार समिति की सोमवार को बैठक हुई। बैठक में मौजूद विपक्ष के सांसदों ने एक बार फिर अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। बैठक में मौजूद विपक्ष के 6 सांसदों ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। संबंधित मंत्रालय के मंत्री ही सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बैठक में समिति के 12 सदस्य मौजूद रहे। बैठक में शामिल विपक्ष के सांसदों ने एक बार फिर सरकार से अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। विपक्ष के 6 सांसदों ने रक्षा मंत्री को योजना वापस लेने की मांग करते हुए एक ज्ञापन भी दिया। हालांकि ज्ञापन पर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने हस्ताक्षर नहीं किया। मनीष तिवारी शुरू से ही इस योजना का समर्थन करते रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक तिवारी ने योजना से जुड़े कुछ आशंकाओं को रक्षा मंत्री के सामने जरूर रखा। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर,
मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश। पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने 21 जुलाई को पूछताछ के लिए तलब किया है। ये पूछताछ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जानी है। इसके पहले इस मामले में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं से पूछताछ हो चुकी है। इस नोटिस की गूंज 18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में भी सुनाई पड़ सकती है और ये नोटिस एक बार फिर राजनीतिक बवाल खड़ा कर सकता है। इसके पहले भी सोनिया गांधी को पूछताछ का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उस समय उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने ईडी से 4 सप्ताह का समय मांगा था। 4 सप्ताह की अवधि 21 जुलाई को समाप्त हो रही थी, लिहाजा ईडी ने उन्हें 21 जुलाई को पेश होने का नोटिस जारी किया है। जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर वाड़ी नागपुर एल्युमिनियम के क्षेत्र में उत्कृष्टता का एक R&D केंद्र और खान मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय ने सोमवार 11 जुलाई 2022 को प्राइम्स SAM प्राइवेट लिमिटेड PSPL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। PSPL एक भारतीय स्टार्टअप मान्यता प्राप्त MSME प्रमाणित कंपनी है जो खनिज और जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों में प्रौद्योगिक विकास, लाभकारी कार्यक्रमों में विशेषज्ञता, ड्रोन के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक, GPS आदि में शामिल है। GNA RDDC के निदेशक डॉक्टर अनुपम अग्निहोत्री और PSPL के MD और CEO मधु के नायर ने MT निमजे, HOD आर श्रीवासन, JNARDDC के सीनियर एडमिन ऑफिसर और रंजन सहाय PSPL के निदेशक और आदित्य सिंह वरिष्ठ प्रबंधक निगरानी कोयला नमूनाकरण और विश्लेषण के साक्षी में MOU पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन अनुसंधान एवं विकास और विश्लेषणात्मक सेवाओं के क्षेत्र में दो प्रमुख खिलाड़ियों को स्थायी खनन के क्षेत्र में पारंपरिक रूप से लाभकारी वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षिक गतिविधियों को स्थापित करने और प्रोत्साहित करने के लिए कोयला और लिग्नाइट सहित विभिन्न खनिजों में दीर्घकालिक सहयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास और पारस्परिक हित और क्षमता निर्माण की परियोजनाओं को लाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल के तहत इस समझौता ज्ञापन का मूल उद्देश्य विश्व स्तर के धातु और खनिज अनुसंधान और विश्लेषणात्मक केंद्र को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना है, जो भारत में अपनी तरह का एक अनूठा उदाहरण होगा। केंद्र देश भर की विभिन्न खदानों से विशेष रूप से लिग्नाइट और कोयले के लिए विभिन्न खनिज पायलट लाभकारी संयंत्रों के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खनिज विज्ञान केंद्र की अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों का कार्य करेगा। JNARDDC के संयुक्त सहयोगी कार्य न केवल केंद्र को और विविधीकरण के लिए प्रेरित करेंगे,
बल्कि इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। JNARDDC सभागार में आयोजित हस्ताक्षर समारोह के दौरान वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर JNARDDC के सभी कर्मचारी और PSPL के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। जो अभी साथ का ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, मौजूद साइन किए। हम लोग भी एक कंपनी स्टार्टअप इंडिया कंपनी शहर में हैं, MSM में रिकग्नाइज्ड है, स्टार्टअप इंडिया रिकग्नाइज्ड है, तो हम लोग भी रिसर्च में ज़्यादा ध्यान देता है और बाकी हमारा एजुकेशनल साइड में है, नॉलेज पार्टनर्स बनते रहते हैं। कई साहब के साथ, कई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़े रहते हैं ताकि अपन क्या क्या चीज़ को कितना तक ऊंचा तक लेके जाता है। जहाँ तक JNARDDC का बात है, देखो इंडिया का सेंटर में है, एक हिसाब से वर्ल्ड का सेंटर बोलता हूँ मैं। वर्ल्ड का सेंटर इसीलिए बोलता है कि आज आवर इंडियन गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। तो ऐसा एक जगह में सबसे अच्छा लेबोरेटरी रिसर्च सेंटर इधर ही रहना चाहिए। तो थॉट प्रोसेस हम दोनों का जम गया था, तो जहाँ थॉट प्रोसेस जम गया वहाँ काम आगे बढ़ा दिया, उस तरीका से आज का ये प्रोग्राम हुआ। निदेशक जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, जिसको JNARDDC बोलते हैं, ये एक ऑटोनमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में। दिस इज़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैरिंग आउट रिसर्च एक्टिविटीज़ फॉर एल्युमिनियम। बट अब धीरे धीरे भारत सरकार ने बोला है कि हमारी डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे कम होनी चाहिए। वो बजट को धीरे धीरे कम करते हैं और चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होएं, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। एक सेल्फ सस्टेनेंस की जो मुहिम चली है सारे ऑटोनमस बॉडीज़ के लिए, हम भी उसका पार्ट हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी मुलाकात मिस्टर मधु नायर से हुई, तो एक विन विन सिचुएशन है कि उनको एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत थी जो कि हमारे काम को और बढ़ा सके, हमारी मार्केटिंग कर सके और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल में भी आगे बढ़ा सके। नंबर एक, हम एल्युमिनियम छोड़ के भी अलग मेटल में जाना चाहते थे। ऑलरेडी हम लोग कोल के रेफरी लैब हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको रेफरी लैब नॉमिनेट किया हुआ, हम कोल का काम कर रहे हैं। पर रेफरी लैब में सैंपल बहुत ज़्यादा नहीं होते, हमारा काम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है जैसा कि हमारे पास सेटअप है। तो नायर साहब से बात हुआ, इनके एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड है कोल के क्षेत्र में, तो हम लोग ने हाथ मिलाया कि उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे और टेक्नोलॉजी और R&D को न सिर्फ एल्युमिनियम, अलग मिनरल्स और मिनरल्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएंगे। चूँकि हमारे पास लैंड है तो उनके पास कई आइडिया है, पायलट प्लांट भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो इट्स मोर और लेस एक जिसको बोलते हैं ना PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है, और रिसर्च एनालिसिस टेक्नोलॉजी सबको आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने आज ये MOU साइन किया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं ये आगे ही आगे बढ़ेगा। थैंक यू। VKB न्यूज़ 30 वाड़ीतून विलास मांडेकर की रिपोर्ट। VKB न्यूज़ के लिए वाड़ी से विलास मांडेकर की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल बाद देश में पेट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल और हरित ऊर्जा के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गडकरी ने कहा कि आपकी कारें और स्कूटर पूरी तरह हरित हाइड्रोजन, इथेनॉल, CNG या LNG पर आधारित होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को हमेशा से नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसके अलावा वो सड़कों व गाड़ियों की सेफ्टी के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर देते रहते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली कार की सवारी कर वो चर्चा में थे। अब मंत्री ने एक दावा किया है कि अगले 5 साल में भारत की सड़कों से पेट्रोल कारें गायब हो जाएंगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 5 साल के बाद भारत में पेट्रोल की जरूरत ही नहीं बचेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले सालों में वाहनों में पेट्रोल की उपयोगिता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। गडकरी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक बयान में यह बात कही। केंद्रीय मंत्री को अकोला में ही डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। यह भाषण के दौरान उन्होंने हरित हाइड्रोजन, इथेनॉल और अन्य हरित ईंधन के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल बाद देश से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। आपकी कारें और स्कूटर पूरी तरह से हरित हाइड्रोजन, इथेनॉल, CNG या LNG पर आधारित होंगे।
गडकरी ने कृषि शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों से अगले 5 वर्षों में कृषि वृद्धि दर को 12% से बढ़ाकर 20% करने के लिए काम करने की भी अपील की। 1 अगस्त को ओबीसी की मंडल आयोग जन जागृति यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा का समापन 7 अगस्त को नागपुर में होगा। इस वक्त ओबीसी छात्रों के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। पूर्व विदर्भ के सभी जिलों में मंडल आयोग जन जागृति यात्रा निकलने वाली है। ओबीसी हितों के लिए बने मंडल आयोग की जानकारी देने के साथ ओबीसी छात्रों के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी एवं ओबीसी की जातिगत जनगणना की जरूरत, इस विषय पर 1 अगस्त से ये मंडल आयोग जन जागृति यात्रा निकालने जा रही है। पहली बार मंडल आयोग के नाम से यात्रा निकलेगी, जिसमें ओबीसी की सभी संगठनाएं शामिल होने वाली है। ओबीसी अधिकार मंच, संघर्ष वाहिनी, स्टूडेंट्स राइट्स एसोसिएशन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ओबीसी संघर्ष कृति समिति, ओबीसी सेवा संघ सहित सभी संगठन भी इस यात्रा में शामिल होंगे। वीकेबी न्यूज के लिए सतीश पारधी की रिपोर्ट। वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।